दीनानगर में 35 करोड़ 53 लाख की लागत से बनने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नींव पत्थर पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने रखा। उनके साथ कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी भी मौजूद थी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सिद्धू ने कहा कि आतंकवादियों पर दिए बयान पर वह कायम हैं। साथ ही उन्होंने आतंकवादियों पर सख्त कार्यवाही की बात भी कही। टीवी चैनल द्वारा शो से निकालने के सवाल पर सिद्धू ने बोलते हुए कहा कि इस बारे में अभी उन्हें कोई संदेश नहीं मिला है। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ते मेरे भैन जी अरुणा चौधरी वेखो जे कोई आवाज़ बुलंद ना करे तो पुछदा नहीं भैया चू चू ना करे तो ग्रीस कोई नहीं लाउंदा जवाक रोवे ना माँ दुध पिउंदी कल्ली ने लड़के अड़के आवाज़ चुके ये प्रोजेक्ट दीनानगर दे लियांदा है। और मैनू याद है कि ये 7 महीने पहला शुरू होने मैंने 100 बार इन्होंने याद कराया होना सानू कि दीनानगर के सीवरेज वास्ते जिहड़ा कि सब तो मुढ़ली चीज़ हैगी है अज पंजाब सरकार वालों कैप्टन साहब वालों और मेरे डिपार्टमेंट वालों 37 करोड़ रुपया अज भैन जी के खाते दे विच आ गया दीनानगर के खाते दे विच आ गया। कोई कुछ भी कही जाए तो कोई तूल हुंदा है तुसीं कोई सोनी टीवी वालों स्टेटमेंट सुनी है यह जी न्यूज़ां 200 बार चला चुके हैं पहला भी चला चुके हैं हूँ भी चला चुके हैं। जदों विधानसभा का सैशन सी विधानसभा के सैशन के मैं उत्ते नहीं जा सकता सी ते उन्होंने दो शोज़ लई किसी होर नूं बुलाया ठीक है मेरे कोल या तुहाडे कोल कोई उन्होंने वालों इंटीमेशन होवे कोई उन्होंने स्टेटमेंट होवे ते मैनूं दसो हुण जे कोई धूड़ च टट्टू उड़ाई जावे उहदा तां मैं कोई इलाज नहीं कर सकदा ना ते समझ मेरी गल समझ लो ते इस गल नूं आपां इह कहदा मैं जे ओह सोनी टीवी वालों तो कोई इंटीमेशन है या कोई तुसीं जरूर चलाओ भाई क्या विरोधी कौन है कोई है ही नहीं गल नूं समझ लै मेरी गल कल भी परसों भी ते अज भी अपने बयान ते कायम कि अज चंद अत्तवादियों दे अगे घुटने टेक दी कि सरेंडर करिए कि इस दा इस देश दा विकास अमन शांति चार गुंडे पर देणगे एक गल नूं याद अत्तवादी दे नाल उहदे मनसूबे नूं मारन दी लोड़ है और उहदा मनसूबा किद्दां मुड़दा है कि विकास दे चल इस देश इस सूबे दे विच अमान उह चलदा रहे और जिन्हां ने घिनौना काज कीता उहनूं सज़ा याफ्ता कीता जावे कुचल दित्ता जावे करदा कोई है ते मरदा कोई है। पाकिस्तान दे दोषी नहीं है बंदे मेरी गल सुन भाई किसी गुरु गोबिंद सिंह दे सिख दी किसी गर्भवती माँ के गर्भ के पे बच्चे नाल दुश्मनी हो सकती है किसी 90 साल के बजुर्ग नाल जिन्हें बंब चलते हैं आंतं विछिया होंगे कौन होंगे ने देखा कदे उन तेरी दुश्मनी हो सकती है किसी 2 साल के बच्चे की किसी दुश्मनी हो सकती जिन्होंने ये किया वह 20 साल के फिरते हैं कौन छड़ गया सी उन्होंने पार्टी का एक स्टैंड है मैं उस स्टैंड के उत्ते अटल खड़ा हूँ कोई उन्होंने घुमाई फिरी जाए वो मेरा कसूर तो नहीं मैं कित्थे कहा भी अत्तवादी नूं सज़ा ना दिओ कि थां दे उत्ते कहा और किनूं कहा किसे दा नां लिया मैं जिन्हां ने कीता उन्हां नूं सख्त तो सख्त ऐसी सज़ा दिओ कि पीढ़ियां देखण पीढ़ियां दहल जाण लेकिन करदा कोई है ते मरदा कोई है ये मंजूर नहीं। विरोधी कह रहे सी मैं कहा विरोधियों का की है विरोधियों के पले की है की ने ये गल नूं समझ अपनी पीढ़ी थले सोटा मन मैं इन्हां नूं की जवाब मैं इन्हां नूं जवाब दईआं पंजाब दे लोकां नूं जवाब दईआं मैं क्या कहदा विरोध हो रहा 10 बंदे खड़ के अंब दे पेड़ दे रोड़े वजदे ने निम्म दे फिर उस घटनावां दे पिछे तो पाकिस्तान सरकार दा मैं कहना जिहदा भी हत्थ है उहनूं ठोक दिओ उहनूं रोक दिओ मेरी गल नूं समझ लो कौन है उह जिहनें इह ऑन अप कीता लियाओ करो जंग लेकिन मेरी गल नूं समझो कि मैं किते भी नहीं कहा कि अत्तवादी ना कुचलो अत्तवादियों नूं सज़ा ना दिओ अत्तवादी दी नहीं कोई जात है ना कोई धर्म है ना कोई ईमान है समझे नहीं किस तरह दा एक्शन करना मैं क्या जिस तरह का चाहन असीं खड़े हाँ पार्टी का स्टैंड है स्टैंड के नाल।